सच साहस सरोकार। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने निकाली समाधान यात्रा, यात्रा के दौरान प्रशासन रहा मुस्तैद। ब्रजनाथी सिंह की सातवीं पुण्यतिथि, चिराग पासवान ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। मधुबनी में रेल पटरी घोटाले से मचा हड़कंप, अधिकारियों ने शुरू किया मामले की जांच। भागलपुर में ट्रक की चपेट में आने से दो युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेतिया में युवक को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। रविवार को बिहार शरीफ नगर निगम परिसर में भारत के महान संत व समाज सुधारक श्री संत रविदास जी की 646वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास भारत में 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि और समाज सुधारक थे। बता दें, ईश्वर के प्रति अपने असीम प्यार और अपने चाहने वाले अनुयायी समुदाय और सामाजिक लोगों में सुधार के लिए अपने महान कविता लेखनों के जरिए संत रविदास ने विविध प्रकार की आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। अपने जीवन में ढाले हैं, उस तरह के हम लोग भी चल पाए, अपने भक्त को इस तरह से निहाल करें, जैसे कि गंगा स्नान करने की विधि बताए थे, मन चंगा कहो गंगा की विधि बताए थे, मन साफ रखो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, इस तरह का उनके बातें बताए पर चलने के लिए प्रेरणा प्रेरणा देते हैं। क्या नाम आपका? जनक दास। खबर नवादा से है, जहां पुरानी जेल रोड में रविदास जयंती धूमधाम से मनाया गया। रविदास जयंती मनाने वाले कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की। वहीं युवा नेता बबलू या कुमार के तरफ से हलवा बांटा गया। बता दें, संत रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को हुआ था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गाँव में हुआ था। ये जयंती हम लोग सन 1978 से हमारे जो हमसे बड़े थे, पहले वो जो हमारे गार्जियन लोग थे, पहले वो मनाते थे उनके साथ। जैसे जैसे अति बीतता गया, उसके बाद हम लोग आए हैं नया पीढ़ी वाला, अब हम लोग मना रहे हैं। और ये रविदास जयंती जो मना रहे हैं बाबा साहब, इनके बारे में, रविदास जी के बारे में, जो संत जो महर्षि हैं वो थे और कवि भी थे साथ में, और बहुत आध्यात्मिक विचारक थे। खबर मसौढ़ी से है, जहां एक 15 वर्षीय लड़के की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। बता दें, मृतक गौतम कुमार मसौढ़ी थाना अंतर्गत छोटकी मसौढ़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। पूजा करने के लिए बानावर जा रहा था, तभी वह ट्रेन से गिर गया। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किससे गिरा? चढ़ने के क्रम में गिर गया। किस चीज से गिरा? ट्रेन से गिर गया, छोटकी मसौढ़ी होल्ट पर। क्या नाम था? गौतम कुमार। उम्र कितना? 15-16 साल। घर कहाँ था इसका? छोटकी मसौढ़ी घर हुआ। पिता का नाम? पिता के नाम ऐसे हम लोग लाला जी कहते हैं। मधुबनी के पंडौल प्रखंड के लोहट चीनी मिल से पंडौल स्टेशन पटरी तक जा रहे रेल की पटरी को चोरों ने गायब कर दिया। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही रेलवे पदाधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।
बता दें कि करीब 2 किलोमीटर बिछी रेलवे पटरी बगैर टेंडर के करोड़ों का स्क्रैप बेच दिया गया है और इसमें करोड़ों का स्क्रैप घोटाला सामने आया है। वहीं इस घोटाले में कई रेल पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हुई है। इसके बाद मामले में तत्काल झांझरपुर स्टेशन के आरपीएफ प्रभारी और मधुबनी स्टेशन के रेल पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। जो एकदम अस्थायी रूप से कार्यरत थे, जिसमें कुछ कैजुअल थे, जिसमें परमानेंट सीजनल सब थे। और दुखद है यहाँ के लिए, जिस मिल से यहाँ के गरीबों का, किसानों का, पूरे आधे मधुबनी जिला का गुजारा चलता था, इस आस्तियाने को लूट जाने से सारा दुखी हो गया। यहाँ गरीब पत्थर बेच करके ले जाते थे, यहाँ के किसानों के बेटी का शादी इस मिल पर आधारित रहता था, घर में कोई श्राद्ध विवाह हो तो सब यहाँ से एडवांस भुगतान के आधार पर होता था, खुशहाली रहती थी। के स्तर पर ये भुगतान निपाधित किया जा रहा है, जो इतना 17 ईस्वी से 18 करोड़ रुपये का 17 ईस्वी से अभी तक भुगतान नहीं पाया है, कितना दुखद बात है। यही इसी से हम 1400 एम्प्लाई थे इसमें। हाँ, 1400 थे और कई मौत भी हो गई होगी क्या लगता है? बहुत आदमी 850 यहाँ, कई 200 परमानेंट हैं, 850 सीजनल हैं और उसके बाद कैजुअल हैं, कुछ डेली वेजेस। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां की रामनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें, युवक ने पीट पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। वहीं मृतक के पिता ने हत्या मामले में 2 नामजद व 4 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चल जाइए तकवाद ना भीतर ही आओ तो बाउंड्री में बोला के ले जाकर ताला मार दी वसन उन्होंने से मार के हाई सुख लाठी से पीट ले रहुआ सन। एगो लड़का रहुआ बकरी चरा उतर वसन वसन दौड़ल हमनी सुनौ जान गमी जान गमी जान तो हाथ गोड़ जोड़मी जान तो मुआ दिल रहुआ सन हाथ गोड़ जोड़मी जान तो मैंने छोड़ुआ सन खोलुआ सन तो घींच के हमनी के टांग के ले आमी जान। का नाम है लइकवा के? हम बनी बड़ आदमी गरीब तो कहनी बाबू छोड़ दे हमारा लेकर मान लीजिए लेकर है तो हमारा छपबे कहनी जरा मर जाए काहे मार कर जाए। लेकिन लड़का के हम कहनी जो हम थाना फौजदारी कहीं ना कि जाए बाबू हमारा के छोड़ दे जाए लड़का के हम दर दवाई कर ले तो लड़का के हमारा छोड़ दहलू आ हम लड़का के उठौनी तले हमार पत्नी भी आ गई आ लड़का के उठौनी ले गई हम लड़का से पूछनी बाबू रे आखिर तोरा के काहे मारल हलु तो लड़का हमार कहत अब्बा हो के बाद मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर रामनगर पुलिस अस्पताल गई और पता करते हुए आगे पता किया तो पता चला कि रियाज अंसारी उम्र करीब 25 वर्ष पिता इशाक अंसारी शाकिर रतनपुरवा थाना रामनगर कल दिन में 3 बजे के आसपास अपना घर रतनपुरवा आए थे साइकिल से नाश्ता करने खाना खाने तो जब खाना खाकर लौट रहे थे तो सुरेंद्र यादव के 2 पुत्र अनुज यादव और अनूप यादव। खबर सहरसा से है, जहां जिले के सोनवर्षा कचहरी ओपी पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई है, जहां एक लावारिस लाश को ऑटे के पीछे लगभग तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी तक तय कर मृत जानवर की तरह शव को रस्सी से बांधकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं जब इस मामले को लेकर सवाल किया गया तो चौकीदार ने कहा कि परमीनिया गांव के गेहूं खेत से लावारिस लाश को बरामद किया गया है। वहीं पुलिस प्रक्रिया के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल लाया गया है। उन्होंने कहा कि रस्सी से बांध कर शव लाना उचित नहीं है। तो वो बोला हमको देखा नहीं है तो मुंशी जी हमको बोला जो इसको परमीनिया दे आओ। हम परमीनिया इसको दे आए, लोड कर लिया लाश। उसके बाद ही बोला जो चलो सदर हमारे साथ, इसके साथ हम चले आए सदर। मुंशी कौन? थाना का मुंशी? हाँ, सोनवर्षा कचहरी थाना का। हाँ, ओपी का मुंशी, शिविर का मुंशी। हाँ, क्या कहा उसको? अच्छा, इस टेम्पो पे कोई पुलिस के लोग थे? नहीं। कोई क्या जानकारी मिली थी? जानकारी मिली थी कि एक डेड बॉडी है तो हम लोग गए वहाँ देखे कि सही में है डेड बॉडी। तो क्या मौत का कारण क्या लग रहा है? मौत का कारण अभी नहीं बता सकते। अच्छा, ये बताइए जो ये जो है रस्सी बांध करके लावारिस लाश को लाए हैं आप, कहीं से ऐसा है?
खबर सहरसा से है, जहां डीएम जी कृष्णिया हत्याकांड में शामिल कैदी पूर्व सांसद आनंद मोहन आज रविवार को 15 दिन के लिए पैरोल पर मंडलकारा सहरसा जेल से बाहर निकले। बता दें, पूर्व सांसद आनंद मोहन की बेटी की शादी के कार्यक्रम को लेकर उनको 15 दिन का पैरोल मिला है। वहीं कार्यकर्ताओं में आनंद मोहन को जेल से बाहर निकलने को लेकर काफी खुशी देखी जा रही है। आपके माध्यम से हम अपने तमाम मित्रों को, सहयोगियों को, समर्थकों को आमंत्रण दे रहे हैं। आप सब भी आमंत्रित हैं। कितने दिनों का पैरोल मिला है? अभी तो एक टुकड़े में 15 दिन का मिला है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, भरोसा रखिए सब ठीक रहेगा। समर्थकों में उत्साह है कि नेताजी जल्द से जल्द रिहा होंगे, आखिर कब ये सुनने को मिलेगा? कब? सब सुन लीजिएगा, बहुत जल्दी सुनिएगा, सब ठीक रहेगा। खबर भागलपुर से है, जहां विक्रमशिला पुल पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। बता दें, दोनों युवकों की पहचान, शवों को मायागंज अस्पताल लाया गया। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से भागने में सफल रहा। हालांकि पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर वैशाली जिला राघोपुर के फतेहपुर पंचायत से है, जहां लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सा जमुई के सांसद चिराग पासवान ने पूर्व मुखिया बृजनाथ सिंह के 7वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर बृजनाथ सिंह संग्रहालय का भी मुआयना किया और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं शेर का बेटा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, ना टूटने वाला हूँ और ना झुकने वाला हूँ और ना मैं किसी से डरता हूँ। काफी करीबी बृजनाथ जी रहे थे, आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको और उनके सुपुत्र जो मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरे छोटे भाई के समान है राकेश रोशन, उनको, उनकी माँ, उनके परिवार को ऐसी परिस्थिति में, ऐसे घड़ी में उनके साथ सिर्फ खड़े होने आए। चिराग जी, नागालैंड में भाई बिहार जेडीयू को पता ही नहीं है और इनके प्रवक्ताओं को पहले भाई जानकारी दीजिए, 40 नहीं है नागालैंड। खबर सहरसा से है, जहां शिक्षा के मंदिर में बच्चों की पढ़ाई की जगह प्रधानाचार्य के द्वारा बच्चों से मजदूरी करवाते दिख रहे हैं, जिसका वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूल के प्रधानाचार्य सभी बच्चों से ईंट फेंकवा रहे हैं और साथ ही साथ स्कूल परिसर में रखे हुए बालू को भी ट्रैक्टर के डाला पर फेंकवाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर RDD जयशंकर ठाकुर ने बताया कि वीडियो की जाँच कर मामले में कार्रवाई की जाएगी।
जब जानकारी प्राप्त की जाएगी कि क्या बच्चों से ही यह कार्य लिया जा रहा है, पूरी जांच करके और तब इसके संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाल श्रमिक को उनके द्वारा रखा गया है तो वो नियोजक होते हैं और उनपे अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। लॉ के अनुसार सभी लोग सामान्य हैं तो उनपे नियमानुसार उनपे भी कार्रवाई होगा। बिहार शरीफ मुख्यालय के लहेरी थाना क्षेत्र इलाके के कच्ची तालाब में डूबने से 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। वहीं इस घटना के संबंध में मृतक के मामा ने बताया कि 15 वर्षीय पप्पू खान खाना खाने के लिए अपने ननिहाल जा रहा था। इसी दौरान कच्चा तालाब के पास जब वह गुजर रहा था तभी उसका पैर फिसल गया, जिससे वह कच्ची तालाब के गहरे पानी में चला गया। हालांकि आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन पानी इतना गहरा था कि किशोर के शव का पता नहीं चल सका। कैसे स्लिप कर गया? जैसे कौन सा जगह? ये हो गया पक्की तालाब, कच्ची तालाब, पक्की तालाब है ऐसे, पक्की तालाब डुबाई। ये कौन तालाब? कच्ची तालाब है, कोई देखे हैं डूबते हुए? हाँ आदमी देखे, आदमी देखी से चले उसको, आदमी कब डूबा है? कब डूबा है? आज करीब 1:30 बजे का। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने एक शिक्षण संस्थान कार्यक्रम का उद्घाटन में शिरकत करने को लेकर बिहार शरीफ मुख्यालय के मोगल कुआं पहुंचे। इस दौरान जदयू एमएलसी और मंत्री श्रवण कुमार ने एक शिक्षण संस्थान का भी उद्घाटन किया और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। वह इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने गोपालगंज से जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर के द्वारा सीएम नीतीश कुमार को लेकर किए गए खुलासे पर भी जमकर पलटवार किया। जीतते हैं कि 27 सीट पर जीतते हैं या कितना सीट पर जीतते हैं वो उनको पता चल जाएगा। जो लोग इस तरह की बात करते हैं हवा में जो तीर छोड़ रहे हैं जमीन पर आके तीर छोड़ेंगे तब पता चलेगा कि निशाना कहाँ था और कैसे निशाना लगता है, ये समझ में बात आए। खबर मुजफ्फरपुर से है जहां सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचकर समाधान यात्रा किया। इस दौरान उक्त क्षेत्रों के विकास को लेकर कई योजनाओं का निरीक्षण किया, साथ ही उद्घाटन करते भी दिखे। बता दें आगामी 14 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होना है, इसको लेकर प्रशासन तैयारियां कर रहा है, जिसको लेकर SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुलिस लाइन स्थित मैदान का निरीक्षण किया। वहाँ भी जहाँ प्लेस है वहाँ भी हेलीपैड ऑलरेडी जगह चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर जो आप पुलिस लाइन है यहाँ भी 2 हेलीपैड बनाने का हम लोग का प्रस्ताव है। कल उसी के लिए अभी हम लोग स्कूटी इंजीनियर DG सर और टाउन DSP सभी के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ग्राउंड का निरीक्षण करा के 2 हेलीपैड जगह। नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड के टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें इस बैठक में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने शिरकत किया। आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कसते हुए कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं बैठक में शिरकत कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर राम सागर सिंह ने कहा कि कार्य समिति की बैठक में 167 में से लगभग 140 सदस्यों की उपस्थिति हुई। इस बैठक में सभी सदस्यों को नालंदा जिले में चुनाव जीतने के लिए मूल मंत्र दिया गया। मार्गदर्शन किए, यहाँ आज बैठक बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में कार्य समिति के लगभग 167 में से लगभग 140 सदस्य की उपस्थिति हुई। सभी लोगों को चुनाव जीतने के लिए नालंदा जिला में यह मंत्र दिया गया। क्या नाम?
बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।